ये पाइप बहुत ज्यादा ऊपर होता है कि तीन तीन मंजिला पाइप है। आजकल कॉपर का पाइप बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अगर 2 मंजिले 3 मंजिले ऊपर लेके जाना हो तो वो 15-20 हजार रुपए का पाइप ही लग जाता है। तो उसके लिए ये पोर्टेबल एसी होता है, इजीली आप इसको बगैर किसी फिट कराए किसी फिक्सिंग के आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको ऑफिस में यूज कर सकते हैं, शॉप पे यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप बैठे हो, इवन कि आप छत पे बैठे हो, आप लॉन में दो बैठे दो हो, हजार आप तेईस इसका का मॉडल मॉडल है है सॉरी सॉरी तो इसमें 2023 में उन्होंने इसमें 1500 ऐड किए हैं बीटीयू। मतलब सही पहले आता था 12,000 BTU, अब जो आ रहा है वो 13,500 BTU आ रहा है। ये सही 1 टन कन्वर्टर है, एसी है, विंडो टाइप आगे एसी में है। इसकी अगर तो एक्चुअल ये प्राइस देखी जाए वो जो ये, हालांकि ये मैं आपको बिगर साइज दिखा रहा हूँ, ये सुपर एशिया का कूलर है, ये बड़ा साइज है। बड़े साइज में मार्केट में ये 35-36 हजार का, मतलब इस रेंज में ये मार्केट में सेल हो रहा है। पर मेरा आपसे ये वादा है, मार्केट में अगर ये 34 हजार रुपए का 35 हजार रुपए का कूलर रहना, तो मेरे से ये 24 हजार का 25 हजार का आप आके लेके जाए, फुल जबरदस्त, जंबो साइज बड़ा साइज। ये ऑफर सिर्फ वो भी जो है सुपर एशिया वो का। सुपर एशिया का कूलर है, ये फुल जंबो साइज तो में है, आपके जेल बॉटम रेफरेंस से से आएगा, किसके सिर्फ साथ आएंगे? उसके लिए है। देखिए हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के साथ भी हमें चलना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही तो मार्केट में ये 2829 का चल रहा है, पर हम यहाँ पर जो रेट दे रहे हैं वो उसकी प्राइस है वो 22-23 हजार है। पर जो आपके चैनल के रेफरेंस से आएगा उसके लिए ये 21 का आप उनको मिल जाएगा, 21 हजार तक मैं उनको दे दूंगा सुपर एशिया का सुपर 21 एशिया में। का। और एक और बात मैं वो आपको बता दूं, माशाल्लाह फौरन सेल हो जाता है। तो जितने भी आपके रिव्यूअर्स भी आ रहे हैं या लोकल कस्टमर भी आ रहे हैं तो सबको हम दे रहे हैं। तो ये इसका यूज का भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, न्यू का स्टॉक भी पड़ा हुआ है। ये मैंने जैसे कि आपको यूज में अभी नए में बता रहा था, पौने टन का एसी, ये पौने टन के नए एसी पड़े हुए। तो नए में ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है स्काईवुड का भी है, ये वोडाफोन का भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अस्सलाम सुपर वालेकुम, टन मैं हूं तारिक बाल, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई जबरदस्त वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। गर्मियों का सीजन शुरू है, हर घर की जरूरत है कूलर एसी, तो आज एक वेयर हाउस पे आप लोगों को लेके आया हूं मैं। यहाँ से आपको कूलर भी मिलेंगे, रूम कूलर, इसके साथ आपको एसी भी मिलेंगे, पौना टन, टन, 1.5 टन, मुख्तलिफ साइज में इनके पास एसी की वरायटी भी पड़ी। इसके अलावा इनके पास रूम कूलर पड़े हैं जिसमें ये जेल बॉटल भी लगते हैं। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, एंड तक देते रहिए, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास एसी और रूम कूलर में कौन कौन से साइज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं, शुक्र है। अली खान, आप सुनाए, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा शुक्र ताहिर भाई। अली भाई, गर्मियां है माशाल्लाह, एसी और ये रूम कूलर की हर घर की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल तो इसके बारे में जरा बताइए ताहिर कौन कौन से भाई। साइज है आपके हमारे पास? पास कूलर्स की भी तमाम वैरायटी आ चुकी हुई है, हमारे पास इसमें विंडो विंडो सीट्स की भी तमाम वैरायटी आ चुकी हुई है, हमारे पास पोर्टेबल की भी तमाम वैरायटी आ चुकी हुई है। तो इस टाइम जो सबसे हिट और टॉप पे जो जा रहा है ना, ये पोर्टेबल एसी है, ये ओरिजिनल पोर्टेबल एसी है। ये जिसको हम लोग एयर एयर चिलर कूलर या चिलर कूलर या डिफरेंट नाम से हम पानी वाले कूलरों को हम लोग एसी कह के लोगों को बेचते हैं, फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, ये वो वाला काम नहीं है। ये प्योर पोर्टेबल एसी होगा, इन्वर्टर टाइप एसी है, हीट एंड कूल है। अगर ये पानी वाला कूलर होगा ना तो ये हीट करेगा ना तो ये कूल करेगा, ना ही ये कमरे की ह्यूमिडिटी लेवल को कम करेगा, कमरे के अंदर से नमी खत्म करेगा। इसके अंदर से पानी उस कूलर के अंदर, आप एक चीज ताहिर भाई याद रखिएगा, जिसके अंदर पानी डालना है वो चाहे जो मर्जी कहे आपको, जो शॉपकीपर है चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं भी आपको कहता ना कि ये एसी चिलर है या एयर एयर कूलर को हम लोग चिलर कूलर कह के बेचेंगी लोगों को, मतलब एक डिफरेंट नाम से उनको कहें और उसको शो ये कराएंगे ये एसी है, वो एसी नहीं हो सकता। एसी के अंदर कंप्रेसर होता है, इसको हम अगर हम इसको प्रॉपर नाम लें तो इसका नाम होता है पोर्टेबल एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जो है इसके अंदर कंप्रेसर होता है, पीछे से ये हीट निकालता है, आगे ये ठंडी हवा देता है, बकायदा ये कमरे की अंदर से नमी खत्म करके पानी निकालता है। तो इसके पीछे एक पोर्टेबल पाइप होता है, तकरीबन लास्ट आपकी वीडियो में उसके अंदर हम लोगों ने इसको अनबॉक्सिंग की थी। तो ये हमारे पास इसकी तमाम तमाम इसके स्टॉक अवेलेबल है। इसी तरह तकरीबन कहीं ये तो मूवेबल, लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, ओपन एरिया में जहां लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं, पर ये एयर कंडीशनर है। तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं, कोई स्कैम नहीं होगा, जो चीज है हम आपको वही बताएंगे। और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह तारे भाई, आप हमारे आपके चैनल के थ्रू पिछले 2 साल से 3 साल से आप हमारी वीडियोस बना रहे हैं और आपके व्यूवर्स आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके भी जाते हैं और खुश भी हैं और यकीन माने दुआएं भी देते हैं। और वही कई जो है शॉपकीपर्स उसको एसी चिलर कह के झूठ बोलते हैं, तो वो लोग उनको बदवाएं भी देते हैं। तो जो सच है हम आपको वही बताएंगे, जितनी जो जो चीज होगी उसके बारे में उतना ही बताएंगे।
ये एक टन का एसी है, 12,000 बीटीयू होता है, एक टन को 12,000 बीटीयू कहते हैं, हीट एंड कूल के अंदर पोर्टेबल एसी है। इसी तरह ताहिर भाई कुछ लोगों को ये चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने उनके पास जगह नहीं होती लगाने के लिए, कहीं दीवार पे नहीं लगा सकते, या उनके लिए पाइप बहुत ज्यादा ऊपर होता है कि 3-3 मंजिला पाइप है। आजकल कॉपर का पाइप बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अगर 2-3 मंजिले ऊपर लेके जाना हो तो वो 15-20 हजार रुपए का पाइप ही लग जाता है। तो उसके लिए ये पोर्टेबल एसी होता है, इजीली आप इसको बगैर किसी फिट कराए, किसी फिक्सिंग के आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको ऑफिस में यूज कर सकते हैं, शॉप पे यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप बैठे हो, इवन कि आप छत पे बैठे हो, आप लॉन में बैठे हो, तब भी इसको लगा सकते हैं। तो ये पोर्टेबल एसी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसके लिए ना तो कवर एरिया चाहिए ना इसके लिए फिटिंग चाहिए। तो उसके बाद ताहिर भाई अगर आप काइंडली यहाँ आ सके तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ये इसके स्काईवुड के एक टन के भी एसी आ गए। एक टन में वैसे 12,000 बीटीयू होते हैं, तो ये कंपनी ने जो 2013 का मॉडल, जो 2023 का मॉडल है सॉरी, तो इसमें 2023 में उन्होंने इसमें 1500 ऐड किए हैं बीटीयू, मतलब पहले आता था 12,000 बीटीयू, अब जो आ रहा है वो 13,500 बीटीयू आ रहा है। ये एक टन का इन्वर्टर है, एसी है, विंडो टाइप एसी है। तो ये आपका डेटन जो इस टाइम 180,000-190,000 रुपए का है, जो लोएस्ट स्प्लिट है इन्वर्टर के अंदर। और अगर हम ग्री की बात करें या डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें तो वो 2,00,000 से ऊपर का डेटन का एसी है। तो ये कूलिंग उन एसीयों से ज्यादा करता है, अगर डेटन का स्प्लिट इन्वर्टर हो 2,00,000 रुपए वाला और ये हो तो इसकी कूलिंग उससे ज्यादा होगी, ये कंफर्म है 110%। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी ये मेरे पास एक टन में भी इसकी स्टॉक अवेलेबल है, और इसके अंदर 1.25 टन का एसी जो मार्केट में पिछले 8-10 साल से जिसका मतलब कि बहुत ज्यादा माशाल्लाह लोग उसको लगाते हैं, बहुत ज्यादा परचेज करते हैं, उसमें नए भी आते हैं यूज भी आते हैं, तो उसकी भी तमाम वैरायटी हमारे पास यूज में भी अवेलेबल है और सेकंड हैंड में भी अवेलेबल है 1.25 टन का एसी। इसमें स्काईवुड का भी है हमारे पास, वोडाकॉन का भी है, उसके अंदर सुपर जनरल का भी है, इसी तरह यूज के अंदर उसमें जो आते हैं वोडाकॉन आता है, सॉरी उसके अंदर जनरल का आता है, नेशनल आता है, मीडिया आता है, फोर्ट्रेस आता है, वो कंटेनर का माल आता है जो बाहर से यूज होते हैं। हमारे पास सेकंड हैंड जो लोकल यूज हैं, जो खराब रिपेयर करके बेचते हैं वो नहीं होते, हमारे पास प्योर जो कंटेनर के होते हैं जो बाहर का यूज होता है वो सेकंड हैंड में भी होते हैं, और नया भी इम्पोर्टेड होगा जो ओरिजिनल कंपनी का होगा, जो ऑफिशियल कंपनी की वारंटी वाला होगा। तो आपको उसमें 1.25 टन भी मिलेगा, 1 टन भी मिलेगा और पोर्टेबल भी मिलेगा। अच्छा ताहिर भाई ये तो होगी एसी की बात, असल में एसी के साथ साथ हमारे कुछ बहन भाई हैं, देखें हर बंदा एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते वही लोग शॉपकीपर उन लोगों को एसी कह के पानी वाले कूलर को बेच रहे हैं। तो ताहिर भाई मैं आज आपके लिए एक और स्पेशल चीज लेके आया हूँ, इस एसी के साथ साथ ये एयर कूलर, ठीक है। तो अगर मैं भी जिस तरह आपको बताऊं कि ये एयर कूलर जो है, आप इसको एयर चिलर कह लें, आप इसको एसी एयर चिलर कह लें, ये जो मर्जी कह लें, पहले बात ताहिर भाई साफ है, देखें बात करनी चाहिए सच, ये पानी वाला कूलर है, पानी वाला कूलर ही रहेगा। इसके अंदर हनी पैड भी लगे हुए हैं, इसके अंदर जेल बॉटल्स भी हैं, पर ये फिर भी पानी वाला कूलर है। मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जी ये एसी चिलर है या चिलर एयर कंडीशनर है या चिलर एसी कूलर है, वो झूठ बोल के जो कूलर है वो 40,000-40,000 का, 50,000-50,000 रुपए का मार्केट में बेच रहे हैं। तो वो 40,000 का वो बेच रहे हैं, बेचारे आम जो इनोसेंट लोग हैं उनको बेवकूफ बना रहे हैं। ये मार्केट में इसकी अगर एक्चुअल प्राइस देखी जाए, वो जो ये, हालांकि ये मैं आपको बिगर साइज दिखा रहा हूँ, ये सुपर एशिया का कूलर है, ये बड़ा साइज है, बड़े साइज में मार्केट में ये 35,000-36,000 का मतलब इस रेंज में ये मार्केट में सेल हो रहा है। पर मेरा आपसे ये वादा है, मार्केट में अगर ये 34,000 रुपए का 35,000 रुपए का कूलर है ना, तो मेरे से ये 24,000 का 25,000 का आप आके ले जाइए, फुल जंबो साइज, बड़ा साइज, ये ऑफर सिर्फ वो भी सुपर एशिया का, वो सुपर एशिया का कूलर है, ये फुल जंबो साइज में है, जेल बॉटल्स भी इसके साथ मिलेंगी, और इसके बाद फिर इसमें तमाम साइजेस होते हैं, बड़ा छोटा, ये इसके बाद ये बड़ा साइज था, ये छोटा साइज है। तो छोटा साइज जो है ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ये इसकी तकरीबन 28,000-29,000 कीमत है। तो ये हम यहाँ पर वैसे मार्केट में ये 22,000 का 22,500 रुपए का सेल कर रहे हैं, पर जो आपके रेफरेंस से आएगा सिर्फ उसके लिए है। देखिए हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के साथ भी हमें चलना पड़ता है, बिल्कुल, तो मार्केट में ये 28,000-29,000 का चल रहा है, पर हम यहाँ पर जो रेट दे रहे हैं वो उसकी प्राइस है वो 22,000-23,000 है, पर जो आपके चैनल के रेफरेंस से आएगा उसके लिए ये 21 का आप उनको मिल जाएगा, 21,000 तक मैं उनको दे दूंगा सुपर एशिया का, सुपर एशिया का। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये प्योर कॉपर में होगा, 1 साल की वारंटी होगी, हालांकि 6 महीने सीजन होता है, 5-6 महीने का सीजन होता है गर्मियों का, तो उसके अंदर 2-4 महीने ही लोगों ने चलाना होता है।
फिर भी ये पूरा साल चलाए, मैं कहता हूँ 12वें महीने में भी चलाए, अगर इसकी मोटर जो है 12वें महीने में भी सड़ती है ना, तो हमें लाके मोटर दें और नई डब्बा बैग मोटर ले। इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, देखें वो एसी चिलर कहते हैं इसको या चिलर कूलर कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ मोटर ही होती है, एक पानी वाली और एक पंप होता है, तीसरी कोई चीज नहीं होती। अच्छा पानी वाली जो मोटर है वो 500-600 रुपए की आती है पंप जो है, और जो इसका वो आता है जो मोटर आती है वो तकरीबन 4-5 हजार रुपए की है। हम जो इसकी फैन मोटर है जो 4-5 हजार रुपए की है, ये नहीं कि लोगों को बाद में घुमाएं कि जी वो तो हमने पानी वाली मोटर का कहा था रिप्लेसमेंट थी, हम आपको इसकी जो फैन मोटर है उसकी रिप्लेसमेंट देंगे 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर अगर इसकी मोटर खराब होती है पुरानी मोटर दें और नई मोटर लेते हैं। इसी तरह इसके बाद अच्छा ये तमाम जो है ना ताहिर भाई, इनके अंदर ऊपर इनके बॉक्सेस हैं जो खुलते हैं, उसके अंदर आप घर की आम फ्रिज भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, आपका दिल करे तो ये जेल बॉटल्स रखना चाहें तो जेल बॉटल्स रख लें, तो जेल बॉटल को फ्रीजर में रख के ये जब 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 फ्रीज हो जाती है ताहिर भाई, तो इसकी जैसे बर्फ जो है अगर वो 1 घंटे के अंदर या आधे 45 मिनट्स के अंदर वो मेल्ट हो जाती है, तो ये 1.5 से 2 घंटे तक भी कूलिंग छोड़ता रहता है और जल्दी मेल्ट नहीं होती ये लिक्विड, इस ये पानी को आपको 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ठंडा रखती है, तो इससे ये है कि आपके 2-3 घंटे तक पानी जो है ना वो आपका ठंडा रहता है आपको, और आपको अच्छी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। पर ये एसी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये एसी नहीं है, मार्केट के स्कैम से लोगों को चाहिए कि लोग खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, लोग उनसे पूछें कि भाई इसमें पानी डलता है या कंप्रेसर लगा हुआ है, जब जब वो कहेगा ना पानी डलता है तो वो पानी वाला कूलर है। अब मैं इसको यहाँ पर मैं भी आपको कहूँ जी ये एसी चिलर है और ये 50,000 रुपए का है, तो वो झूठ बोल के बेचने को तो मैं भी बेच दूँ, पर हम लोग ऐसा काम नहीं करते। जो एसी है वो पोर्टेबल एसी है, इन्वर्टर एसी है, उसको एयर कंडीशनर कहते हैं, उसके वो विंडो टाइप एसी कहते हैं, उसके अंदर कंप्रेसर होगा। तो इसी तरह ताहिर भाई फिर इसके बाद हमारे पास इसमें कलर्स भी हैं, कि ये वाइट कलर में था, ये ब्लैक में था, ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर था, फिर ये एक बहुत ही प्यारा ये क्रीम कलर के अंदर है, ये जंबो साइज है, ये आप इसका अगर साइज देखें तो बहुत बड़ा साइज है। अच्छा ताहिर भाई इनके सबके अंदर हनी पैड्स लगे हुए, हाँ हनी कॉम इसके जो पैड्स होते हैं जो नॉर्मल जो खसे होती हैं जो लोकल हमारे लोहरी कूलर में लगी होती हैं, उसकी कूलिंग और इसकी कूलिंग के अंदर हवा के अंदर फर्क होता है, तो वो इसके अंदर लगे हुए अच्छी और थिक थिक हनी पैड लगे हुए हैं जिसकी कूलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, और ऊपर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप इसमें कुछ 6 कूलर भी अंदर अगर आप रखना चाहें बर्फ के तो वो भी रख सकते हैं, और कोई 8 बोतलें भी ये रखना चाहें, 8-10 बोतलें भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो ये भी साइज हैं हमारे पास, इसमें तमाम इसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं ताहिर भाई, और तमाम स्टॉक भी अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह किसी भी बहन भाई को हमारे पास ये कूलरों का स्टॉक होलसेल रेट पे चाहिए हो तब भी हम लोग हाजिर हैं, और किसी को जो है एक एक पीस भी चाहिए तो हम उसको भी एक एक पीस भी देंगे। तो ताहिर भाई फिर आपको मैं छोटा सेकेंड हैंड जो विंडो है वो भी दिखा देता हूँ। ताहिर भाई ये इसके अंदर विंडो के अंदर हमारे पास सेकेंड हैंड के अंदर ये इस तरह विंडो होते हैं, तो ये बाहर के चले हुए होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास तमाम वैरायटी अवेलेबल है। असल में हम 10-15 पीस इसको 20 पीस का स्टॉक आजकल निकाल लें तो जैसे ही हम निकालते हैं वो माशाल्लाह फौरन सेल हो जाता है, तो जितने भी आपके रिव्यूअर्स भी आ रहे हैं या लोकल कस्टमर भी आ रहे हैं तो सबको हम दे रहे हैं। तो ये इसका यूज़ का भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, न्यू का स्टॉक भी पड़ा हुआ है, ये मैंने जैसे कि आपको यूथ में अभी नए में बता रहा था पोनाटन का एसी, ये पोनाटन के नए एसी पड़े हुए, तो नए में ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है स्काईवुड का भी है, ये वोडाफोन का भी है, वो सुपर जनरल का भी है। अच्छा अली खान जरा साथ साथ अभी जो मौजूदा रेट चल रहे हैं इसके, अगर हम न्यू की बात करें तो मार्केट में 85,000 चल रहा है इसका प्राइस, 85,000 में लोग दे रहे हैं, और अगर कोई हमारे से जिस तरह दूर हट के आपद मार्केट से दूर बैठा हुआ है उस वो अपनी ही प्राइस एक अलग प्राइस मांगता है, उसकी प्राइस जो होती है वो 90,000-95,000 मांगता है, पर यहाँ मार्केट में इसका 85 चल रहा है, पर जो आपके चैनल के रेफरेंस से आएगा उसको 80,000 रुपये का मिलेगा मेरे से, 5,000 रुपये उसको मार्केट से डिस्काउंट मिलेगा। ये पोनाटन का एसी है, तो एयर कंडीशनर होगा और 12x12 का कमरा चिल ठंडा करेगा, इसी तरह ये सेकंड हैंड भी जो है ये भी 12x12 का कमरा चिल ठंडा करता है, तो ये पौना टन पूरा होगा, ये आधा टन नहीं होगा, और ये जो तैर भाई आजकल जो सोलर प्लेट वाला सिस्टम चल रहा है ना, तो ये सोलर पे नहीं चलते, ठीक है ये अगर चल सकते हैं सोलर पे, पर उसके लिए सोलर भी आपको उसके मुताबिक लगवाना पड़ता है, मतलब कि अगर एक प्लेट की बात करें तो एक प्लेट पे नहीं चलेगा। अच्छा। ये झूठ है, इसके वाट होते हैं 900 वाट होते हैं, 800 वाट होते हैं, 800-900 वाट से ऊपर का आपके पास सोलर है तो आपका आप इस एसी को यूज़ कर सकते हैं, तो एक प्लेट वाला जो सिस्टम है ना वो झूठ है, एक प्लेट पे नहीं चल सकता, वो गलत भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हाँ कूलर की बात करें तो कूलर जो मैंने आपको दिखाए वो एक प्लेट पे चलेंगे, वो एक प्लेट पे एक नहीं आप 2 कूलर भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं, क्योंकि वो 100 वाट का कूलर होता है, 150 वाट का कूलर होता है,
वो चल सकता है। एसी जो है इसका लोड है, असल में देखिए मैंने ये बात पता क्यों की है, ये चल सोलर पे चलने में चल सकता है, पर आपको सच कोई भी नहीं बताएगा। आपको एयर कंडीशन वाला एसी वाले से आप किसी से पूछ रहे हैं, इसका पहला टार्क जो होता है वो 12 एम्पीयर का टार्क होता है, जिसको कहते हैं हम झटका। असल में कोई भी हो, फ्रिज हो, एसी हो, वो पहला जब हम ऑन करते हैं ना, उसका एक पहला टार्क होता है झटका, जिसको बोलते हैं, वो 10 से 12 एम्पीयर का होता है। उसने वो झटका लेके वापस आना होता है, वापस आके वो 3-3.5 एम्पीयर पे आ जाता है। अब मुझे बताएं, सोलर जो है वो 12 एम्पीयर का झटका कहाँ से बर्दाश्त करेगा, वो एक प्लेट पे कहाँ से चलेगा, वो एक झूठ है। वो चाहे वो आधा टन का एसी है, चाहे वो एक टन का है, चाहे वो 2 टन का एसी है, वो नहीं चल सकता। हाँ चलेगा, उस टाइम चलेगा अगर आपका सोलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका सोलर जो है वो कोई 5 केवी का सोलर हो, 3 केवी का सोलर हो, तो फिर आप कहें तो ये मैं मान सकता हूँ कि ये चलेगा, पर एक प्लेट पे नहीं चलता। बाकी तहर भाई इंशाल्लाह मजीद यूज में अगर प्राइस की बात की, यूज में ऐसी क्या प्राइस है? यूज में जो तहर भाई इस समय चल रहा ना मार्केट का रेट 37-38,000 मार्केट की प्राइस चल रही है, जो A+20 है, जो बिल्कुल ही ओरिजिनल गैस ओरिजिनल कंप्रेसर में है और अच्छी कंडीशन के अंदर है, और जो हल्की कंडीशन में है वो 32-33,000 रुपये का, पर उसका गैस चार्ज होगी या रिपेयरिंग वाला पीस है। कंटेनर का जो बाइक से आते हैं उसका रेट 35-37,000 रुपये मार्केट का रेट है, और यही रेट है, अगर इससे कम होगा तो वो रिपेयर्ड होगा 110%। तो हमारे पास ये अगर कोई आएगा तो वो इसी की रेंज में होगा, जो बहुत ज़्यादा फाइन और अच्छा पीस है, क्योंकि इसके कंटेनर से जो माल निकलता है ना तैयार भाई, उसकी कंडीशन की प्राइस होती है। वो पीस 37 वाला भी होता है, 35 वाला भी होता है, इवन के 40 वाला पीस भी निकलता है। 40 वाला पीस ऐसे ही होगा जैसे लाइका जस्ट लाइका न्यू है। तो इसी तरह तैयार भाई नेक्स्ट हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आती रहेगी, इंशाल्लाह आपके व्यूवर्स को दिखाते रहेंगे और आप इसी तरह हमारे पास आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, फिर इंशाल्लाह कोई नई प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने इनके पास एसी और ये रूम कूलर के तमाम साइज देख लिए, अली भाई ने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया है इनके पास किन किन साइजों में एसी पड़े हुए, इसके अलावा इनके पास ये रूम कूलर पड़े हुए हैं। आप इनके पास विजिट भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो पूरे पाकिस्तान से घर बैठे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये आबद मार्केट में बैठे हुए होलसेलर है, इनके पास बाहर से डायरेक्ट कंटेनर का माल आते हैं, इम्पोर्ट होते हैं इनके पास एसी में, इनके पास ब्रांड न्यू भी होते हैं, इसके अलावा इनके पास यूज में भी होते हैं। आपको यूज एसी चाहिए या ब्रांड न्यू चाहिए, तमाम साइज और तमाम वैरायटी से आपको होलसेल प्राइस में मिलेगी। और इंशाल्लाह इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स इनके पास आएंगे मार्केट से 1-2 हजार रुपए जितना भी हो सकेगा वो इंशाल्लाह आपको रियायत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल भी नहीं हुआ तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बरवक मिल सके। इंशाल्लाह जिंदगी रही एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, उम्मीद दुआ में रखिए।